हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा। स्वागत है आपका मेरे चैनल मनुज हेल्थ एंड लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तिल की गुजिया। ये बनाने में बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, और ये गेहूं के आटे से। मैं कैसे बनाना है आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तिल की गुजिया बनाना। फ्रेंड्स, तिल गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन में एक कटोरी तिल को भूनना है अच्छे से लो फ्लेम पे। तो चलिए हम इसे भून लेते हैं, लगातार चलाते हुए इसे भून लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट मैंने तिल को लगातार चलाते हुए अच्छे से भून दिया है। देखिए तिल अच्छे से भून चुका है फ्रेंड्स। अब हम गैस बंद कर देंगे और तिल को मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। देखिए अब हम तिल को मिक्सी जार में पाउडर बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक कटोरी तिल को मैंने मिक्सी जार में अच्छे से पीस लिया है। एक कटोरी तिल का हमें 2 कटोरी पाउडर मिल गया है। अब हम मसाला रेडी करते हैं गुजिया के लिए। देखिए फ्रेंड्स, गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें मसाला रेडी करना है। तो मसाला रेडी करने के लिए हमने जो ये तिल मिक्सर में पाउडर बनाया था वो हम 2 कटोरी लेंगे। देखिए 2 कटोरी तिल के लिए हमें 1 कटोरी गुड़ लेना है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ और ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए, और 1 छोटा चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और 3 छोटे चम्मच कोकोनट पाउडर लिया है, ये हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को हमें अच्छे से हाथ से ही मिक्स कर लेना है। इस मिक्सर में हमें घी या पानी या दूध कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि गुड़ में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। इसलिए ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती है। अगर फिर भी आपको लगे कि मिक्सर थोड़ा ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा दूध के छींटे आप इसमें मार सकते हैं। देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, गुड़ को तिल के साथ अच्छे से मसल के मिक्स करना है। देखिए मिक्सर अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम तिल की गुजिया के लिए कवरिंग रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तिल की गुजिया बनाने के लिए अब हम कवरिंग रेडी करेंगे। कटोरी, जिस कटोरी से मैंने तिल लिया था उसी कटोरी से मैंने, उसी मेजरमेंट से मैंने 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। उसमें मैं चुटकी भर नमक डाल रही हूँ और उसमें हमें 2 छोटे चम्मच हॉट ऑयल डालना है। ये हॉट ऑयल डालने से आपकी गुजिया एकदम खस्ता बनेगी फ्रेंड्स। देखिए अब हमें सभी चीज़ों को पहले हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। देखिए इस तरह से तेल को और आटे को अच्छे से मिक्स करना है हमें। बाद में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो रेडी करना है। ये डो एकदम सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, और एकदम हार्ड भी नहीं होना चाहिए गुजिया के लिए। इस तरह का आटा हमें चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक आटा गूंद लीजिए आप। देखिए इस तरह से, ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदते जा रही हूँ। मैंने ये आटा तिल की गुजिया के लिए रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक छोटा बॉल हमें हाथ में लेके एक पूरी बेलनी है। देखिए वो पूरी बेलते वक्त हमें आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, तेल लगा के ही हमें इस पूरी को बेलना है। और पूरी बेलते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि अपना मोल्ड किस आकार का है। मेरा मोल्ड इस आकार का है, तो मैं इस आकार को ध्यान में रखते हुए इस पूरी को बेल रही हूँ। और पूरी हमें एकदम गोल नहीं बेलनी है फ्रेंड्स, थोड़ी सी लंबे आकार के हमें बेलनी है।
देखिए इस साइज की, आप देखिए कि आपके पास मोल्ड किस आकार का है, उस आकार को ध्यान में रखते हुए भी आप पूरी बेलिए। देखिए मेरे पास ये ऐसा मोल्ड है, ये मोल्ड आपको मार्केट में किसी भी बर्तन की शॉप में इजीली मिल जाएगा, बड़ा या छोटा किसी भी आकार में आपको आपकी पसंद का आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम गुजिया रेडी करते हैं। देखिए ये पूरी मेरी बेल के रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये अपना डिज़ाइन जो है राउंड शेप का, हाफ राउंड शेप का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस तरह से हुई हमें सेट करनी है इस मोल्ड पे। देखिए थोड़े से हाथ से अंदर की साइड में आप इसको दबा दीजिए, इससे क्या होगा कि अंदर जो ये जो डिज़ाइन है ये आपकी गुजिया में आ जाएंगी और आपकी गुजिया दिखने में भी बहुत सुंदर दिखेगी, और जब खाने में दिखने में कोई भी डिश अच्छी दिखे तो खाने का मज़ा कुछ और ही होता है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से आप इसे दबा दीजिए, देखिए, और आप पूरी बेलते वक्त अगर तेल लगाएंगे तो आपकी गुजिया बनने के बाद इजीली निकल जाएंगी, इसीलिए आप इसे तेल लगाकर ही बेलिए। देखिए अब मैं इसमें अपना तेल वाला मिक्सर डाल रही हूँ, देखिए इस तरह से, और अब मैं इसको इस तरह से देखिए दबा दबा के साइड की बची हुई पूरी मैं इस तरह से हाथ से ही कट कर रही हूँ, देखिए, और हमें इसे थोड़ा सा हाथ से दबाना है, इससे आपका मिक्सर बाहर नहीं आएगा और आपकी गुजिया अच्छी बनेगी फ्रेंड। देखिए अब मैं धीरे धीरे इस गुजिया को मोल्ड से बाहर निकाल रही हूँ, देखिए देखिए तेल लगाने की वजह से आपकी गुजिया इजीली निकल गई। देखिए ये डिज़ाइन भी आ गई है, दिखने में कितनी बढ़िया दिख रही है फ्रेंड्स। आप सभी गुजिया इस तरह से ही रेडी कर लीजिए। मैंने तिल गुजिया रेडी कर ली है इस तरह से। अब मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, ये ऑयल गरम हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम सब गुजिया क्रिस्पी ब्राउन कलर के होने तक तल लेंगे। फ्रेंड्स गुजिया क्रिस्पी ब्राउन कलर की हो गई है, देखिए अब हम इसे निकाल देंगे। तिल की गुजिया रेडी है, देखिए ये कितनी खस्ता बनी है, गेहूं के आटे से बनी दिवाली के लिए स्पेशल तिल की गुजिया रेडी है फ्रेंड्स। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।